नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। पॉलिटेक्निक समेत चार कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। शीतलता का लोक पर्व जुड़ शीतल का हुआ शुभारंभ। बिहार के कई जिलों में गिरा भूजल स्तर। बिहार के कई जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट। एमएस धोनी को देखने के लिए एक परिवार ने उड़ाए 64,000 रुपए। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पॉलिटेक्निक समेत चार कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया है। 22 और 23 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई है। वहीं परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। मालूम हो कि इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए पॉलिटेक्निक, जेएनएम, एएनएम और ड्रेसर की सीटों पर नामांकन किया जा रहा है। वहीं 16 और 18 मई तक ऑनलाइन फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थी को 750 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए वेबसाइट bcecebo.bihar.gov.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट किया जा सकता है। शीतलता का लोक पर्व जुड़ शीतल का हुआ शुभारंभ। बिहार में आज से शीतलता का लोक पर्व जुड़ शीतल का शुभारंभ हो चुका है। मिथिला में इसे नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व में जल की पूजा होती है और शीतल देवी से शीतलता की कामना की जाती है। मालूम हो कि ये पर्व 2 दिनों का होता है। इसमें सतुआन और धूर खेल शामिल है। वहीं आज वैसाखी का त्योहार भी मनाया जा रहा है। इसे रबी फसलों की कटाई का त्योहार कहा जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार सिख समुदाय के लोगों के बीच मनाया जाता है, लेकिन आज पूरे देश के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में ये बेहद खास है। इसे भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। बिहार के कई जिलों में गिरा भूजल स्तर। बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर 10 फुट तक नीचे जा गिरा है। इसके बाद गंभीर जल संकट की आशंका जताई जा रही है। वहीं अप्रैल के महीने में ही नदी और पोखर सूखने लगे हैं। इधर पशु पानी की तलाश में गांव से रिहायशी इलाके में आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार इस परेशानी से सबसे अधिक प्रभावित जिला गया, जहानाबाद और औरंगाबाद है। इन जिलों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पट्टा में भूजल का स्तर 8 इंच, बांका व भागलपुर में करीब 2 फुट, जमुई में 3 फीट, गया में 4 फीट, नालंदा में 3 फीट 6 इंच नीचे जा गिरा है। साल 2020 बैच के 1,903 पुलिस अवर निरीक्षकों को डीजीपी ने दिलाई शपथ। साल 2020 बैच के 1,903 पुलिस अवर निरीक्षकों को पासिंग परेड के दौरान डीजीपी ने पद और निष्ठा की शपथ दिलाई है। मालूम हो कि इस परेड में डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के दल ने परेड की सलामी दी। पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी ने कहा है कि आने वाले 1 जुलाई से बिहार की पुलिस बदल जाएगी। 1 जुलाई से नया कानून लागू होगा। अब टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि अपराध नए तरीके के हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए डिजिटल माध्यमों के प्रयोग की जरूरत है और अनुसंधान तकनीक की भी जरूरत है। मैथिली ठाकुर ने चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर कही ये बात। लोक गायिका मैथिली ठाकुर इस बार पहली बार मतदान करने वाली है। इसे लेकर वो बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है। उन्होंने ये तय कर लिया है वो किस मुद्दे पर मतदान करेगी। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि उनके लिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों ही भाई के समान है और वो किसी को भी कम और अधिक पसंद नहीं करती है। मैथिली ठाकुर ने ये भी कहा है कि वो महिलाओं को मतदान के लिए उत्साहित देखकर अच्छा महसूस कर रही है। महिलाएं खुद मतदान करती है और आसपास के लोगों को भी जागरूक करती है। मैथिली ठाकुर ने लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। बिहार के कई जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट। बिहार के 9 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट किया गया है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। आज कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की बात कही गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके सतर्कता की अपील की है। बांका, जमुई, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर जिले में मौसम के बिगड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही गई है।
रविवार को कई जगह पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के मिजाज के बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 4-5 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर फिर हुआ पथराव। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पथराव किया गया है। इस दुर्घटना में ट्रेन की एक बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है, हालांकि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सासाराम में इस ट्रेन पर पथराव किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर करवंदिया स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। मालूम होगी ये ट्रेन रांची से वाराणसी जा रही थी। इधर रेल पुलिस की ओर से हर बिंदु पर जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 51 लाख के जेवरात लूटकांड मामले में 9 संदिग्ध हिरासत में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु नगर स्थित आभूषण दुकान से 51 लाख के जेवरात लूटकांड मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। इसके लिए पुलिस ने 4 SIT की टीम का गठन किया है। साथ ही अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। बिहार सहित 3 सीमावर्ती राज्यों में अपराधियों की तलाश हो रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। समस्तीपुर, पटना, दरभंगा, वैशाली जिले में भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में फिलहाल 9 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सहरसा में शराब के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी। बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन लिया है। यहां ट्रक में गिट्टी के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने करीब 200 कार्टन शराब को बरामद किया है। साथ ही मौके से 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर सदर SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें DIO प्रभारी DSP अजीत भी शामिल थे। इस टीम ने 200 कार्टन विदेशी शराब को पकड़ा है। इसकी मात्रा करीब 1800 लीटर बताई जा रही है। साथ ही ट्रक ड्राइवर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी यादव ने जारी किया परिवर्तन पत्र। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी का किया वादा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र को जारी किया है। इस घोषणा पत्र में राजद ने नौकरी और महिलाओं पर फोकस किया है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी का वादा किया है। वहीं गरीब लड़कियों को रक्षाबंधन के दिन सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। फ्री बिजली के साथ ही मात्र 500 रुपए में गैस देने का वादा है। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि साल 2024 में हम लोग 24 जन वचन लेकर आए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग जो बात कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। हमने ही कहा था कि जो अच्छा खेलेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद से ही अब अच्छा खेलने वाले लोगों को बिहार में नौकरी दी जा रही है। राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशफाक करीम ने पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से सामाजिक न्याय को ताकत देने के लिए जुड़े थे। पार्टी के द्वारा जाति आधारित गणना करके वादा किया गया था, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का दावा किया गया था, लेकिन मुसलमानों की हकमारी हुई है। मुसलमानों को आजादी के अनुरूप तो दूर उन्हें हिस्सेदारी भी नहीं दी गई। अशफाक करीम ने अपने त्याग पत्र को स्वीकार करने के साथ ही लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रशांत किशोर ने किसानों की गरीबी की बताई वजह। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किसानों की गरीबी की वजह बताई। उन्होंने कहा है कि पंजाब और हरियाणा का किसान खेती करके अमीर हो गया, उसके बाद बिहार का आदमी वहां जाकर मजदूरी कर रहा है। बिहार के किसान खेती करके मर रहे हैं। यहाँ के किसानों के पास जमीन ही नहीं है तो वो खेती कैसे करेगा। यहाँ पर जमीन के नाम पर राजनीति होती है, उसे गलत तरीके से हड़प लिया जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 100 में से 40 लोगों के पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। वहीं जिसके पास 2 बीघा जमीन है वो कमाने के लिए थोड़ी ना खेती करते हैं, वो परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता कोई और नहीं है। भाजपा नेता ने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए एक अच्छा देश है, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता कोई भी नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत के अंदर मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। उनकी नीति सभी के लिए बराबर है। सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बताया कारण। इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज के लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने इसके पीछे कई कारण भी बताया। उन्होंने महागठबंधन और NDA दोनों के सामने एक शर्त रख दी है और कहा है कि वो दोनों ही गठबंधन के संपर्क में थे, लेकिन किसी से भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
दोनों ही गठबंधन ने बेहतर उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। अगर दोनों गठबंधन बेहतर कैंडिडेट को मैदान में उतार देते हैं तो वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सच्चिदानंद राय ने यह भी कहा है कि वो अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं, वो इस बार भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराएंगे। एम एस धोनी को देखने के लिए एक परिवार ने उड़ाए 64,000 रुपए। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरफा मुकाबले में केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया। एम एस धोनी की एक झलक पाने के लिए लोगों में दीवानगी देखी जाती है। वही एक परिवार ऐसा है जहां बच्चे की स्कूल फीस बाकी है, लेकिन धोनी को एक बार देखने के लिए परिवार ने 64,000 रुपए खर्च कर दिए। एक पिता और उनकी 3 बेटी एम एस धोनी की बहुत बड़ी फैन है। ये परिवार मैच का लुत्फ उठाना चाहता था, हालांकि ये टिकट खरीद नहीं सके और इसके बाद इन्होंने टिकट को ब्लैक में खरीदने का निर्णय लिया और इन्होंने 64,000 रुपए खर्च करके मैच का लुत्फ उठाया है। आपको बता दें कि आज आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? आप इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, सदुल्ला पालवी, गुनर शर्मा, मोहम्मद शकीर हुसैन, नरेश मुर्मू, रजनीत मिश्रा, मोहम्मद अरमान, राजेश मांझी, अशोक कुमार जायसवाल, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, नौशाद राजा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, क्या आप सतवानी का त्यौहार मनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।